राम राम किसान भाइयों, किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो आज बीटी कॉटन में अपने चर्चा करेंगे, एक नई तकनीक आई है पीबी नोट, उसके बारे में। तो किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले अपना परिचय बताओ, अपना नाम। मैं रिशपाल सिंह तालीवाल, चक 3 KSP खेती करना जी। मैं 4 KSP च ठेके लैके करीबन 280 किले मेरे को नरमा। 280 बीघे में आपने बीटी कॉटन लगा रखा है। बहुत प्रोग्रेसिव किसान हैं, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। तो इस तकनीक के बारे में आपको किसने बताया? मेरे को दिनेश बिश्नोई आए थे, उसने कहा भी 100 किले का इको टक चाहिए, 35 तो 50 दिन तक बिजाई होवे, फुल गुड्डी ना आई होवे। फिर मैं 2-4 भरावान को पूछा, नहीं फिर मैं क्या आपदी आप लवा लिए चलो। फिर इतने आके इन्होंने थोड़ा सा बीटी कॉटन के बारे में बताओ भी, आपने कौन कौन सी वरायटियाँ लगा रखी है? मैं करीबन 40 किले 926, 10 किले 650, 10 किले 653, 40 किले बलराज, सब तो ज्यादा 773 राशि, बाकी सारा 773। बाकी 773 है। तो इतने लार्ज स्केल पर आप बीटी कॉटन की बुआई कर रखी है, तो इस तकनीक के बारे में किसान भी आपसे जानना चाहेंगे भी इसका लास्ट तक रिजल्ट क्या रहा। हाँ जी। तो अपना थोड़ा सा मोबाइल नंबर बता दें। मोबाइल नंबर है मेरा जी 6378951551। एक बार थोड़ा स्लो करके और हिंदी में और बता दें। 6378951551। थोड़ा सा बीटी कॉटन के बारे में बताएं, आप बुआई के साथ में या कोई डीएपी, कोई सुपर, कोई फर्टिलाइजर, कोई खाद इसमें दिया है, तो उसके बारे में बताएं। हाँ जी, मैं जो सरसों वाला बाण हुंदा उहदे तां सुपर नहीं पाउंदा, उहदे ते अद्धा घटा जी डीएपी अद्धा ही यूरिया बुआई करदा, मीह पै तो जां पानी लाए तो बाद, सुके च नहीं करदे। उदू बाद जिवें जिवें बरसात हुंदी आ उवें 10-15 किलो आए बरसात ते बीजदा रहिंदा जी। पोटास भी आपने डाली है? हाँ जी, पोटास दा छिट्टा दे के उत्ते सीलर मार। पिछली बार आपके बीटी कॉटन कितना था? पिछले साल बुआई जा, हाँ बुआई जो आपने नरमा बीज रखा पिछले था, पिछले साल 150 किला। तो क्या औसत झाड़ क्या रहा आपका? मेरे करीबन 6 किला लगभग रहा, 6 क्विंटल के आसपास रहा। और कोई सूक्ष्म पोषक तत्व वगैरह जमीन में आपने प्रयोग किए हो? नहीं, मैं मिट्टी जांच कराना जी, पिछली बार संग्रिया से हुई थी तो उसमें जो सूक्ष्म तत्व पाए थोड़ा कम है वो डलवाए, पानी की जांच कराई थी, पानी बिल्कुल खेती के योग्य नहीं है, खेती के इसी ज्यादा है पानी की। हाँ इसी ज्यादा है। बस अपने स्प्रे की बात करेंगे, नरमे में अभी कोई स्प्रे वगैरह किया है? नहीं जी अभी नहीं किया, बस कोई आगत नरमा हो जो आपका 70-80 दिन का नरमा हो उसमें। हाँ, उसमें अपने नीम वाली कोई स्प्रे की है? नीम वाली नहीं। तो कौन सी स्प्रे की है आपने? प्रोक्लम करी, प्रोक्लेम दवाई की है। प्रोक्लेम से जूं भी मरेगी और सुंडी भी मरेगी। ठीक है जी, धन्यवाद जानकारी के बारे में। और भी चर्चा चलती रहेगी। अब कंपनी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ये किसान भाइयों आप देख रहे हो पीबी नोट है, इसके बारे में, गुलाबी सुंडी पर ये काम करता है। तो सबसे पहले अपना परिचय बताए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दीपक बिश्नोई है, हनुमानगढ़ से पीआई को रिप्रेजेंट करता हूँ। हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी बताएं, ये कैसे काम करता है और पीबी नोट किस तरीके से लगाया जाता है? ये सर ट्विन ट्यूब टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आप देखेंगे तो दो तारे हैं, एक के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर एल्यूमिनियम का तार दे रखा है, साथ के अंदर एक के अंदर इसके अंदर दवाई डाल रखी है। ये क्या है, इसको हम पौधे के अंदर 1-1 मीटर पे। एल्यूमिनियम का तार क्या काम करता है? ये सर इसको बांध के रखने के लिए होल्डिंग के काम करता है, होल्डिंग का काम करता है। दूसरा वायर है वो उसमें मादा की स्मेल आती है, मादा की स्मेल आती है। इसके अंदर फेरोमोन भरा हुआ है जो कि अपने जैसे मान के चलो 70 से 80 से 90 दिन तक इसकी स्मेल छोड़ता है। इसके अंदर क्या है, हम साइड के अंदर 1-1 मीटर के अंदर लगाते हैं। तो एक किसान भाई खेत में जैसे 1 हेक्टेयर में 5 फेरोमोन ट्रैप लगाता है, क्या उससे भी ज्यादा करता है क्या? ये सर इसके अंदर जो हम फेरोमोन ट्रैप के अंदर जो कैप्सूल आते हैं उससे 108 गुना ज्यादा स्मेल छोड़ता है। 108 गुना? 108 गुना, ठीक है। और ये जो है खेत के अंदर चारों तरफ लगाया जाता है 1-1 मीटर। ये मान लो एक बार किसान लगाना चाहे तो कितने दिन तक काम करता है? ये सर 80 से 90 दिन तक काम करता है। और कॉटन की अपने बात करें तो किस स्टेज पर इसको लगाया जाता है? कॉटन के अंदर जब स्क्वायर बनना शुरू हो जाते हैं मान के चलो आप 35 से 45 दिन के, फाल गुड्डी जब फर्स्ट फ्लैश आना शुरू हो जाता है तब इसको काम में लेते हैं। हाँ जी।
तब भी इसका उपयोग किया जाता है और आगे 80 से 90 दिन तक ये फसल को प्रोटेक्ट करता है। 80 से 90 दिन तक उसमें गुलाबी सुंडी आती नहीं? हाँ जी, उसका प्रबंधन करता है ये। तो क्या किसान थोड़ा सा मान लो बड़ा नरमा हो गया, 70-80 दिन का हो गया, उसमें भी इसको काम में ले सकता है? 70 से 80 दिन के अंदर सर ये, उसके बाद इसके अंदर अटैक आने का जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो पहली जनरेशन पिंक बॉलवर्म की आ जाती है उस वक्त, तो उसके अंदर प्रबंधन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर टेक आपके यहाँ आ सकता है 5 से 10% आप मान के चलो, आपको वो रिजल्ट अगर आपको सबसे अच्छा रिजल्ट जो है 35 से 45 दिन के अंदर जब फूल स्टार्ट हो जाए। जब फूल थोड़ा सा तकनीक के बारे में बताओ, आप इसको टैग कैसे लगाते हो पौधे के अंदर, कितनी दूरी पर लगाते हो एक पौधे में, यहाँ लगा के दिखाओ आप। ये सर पौधे के अंदर इस प्रकार से जो कम से कम ये 2 इंच जमीन से ऊपर होना चाहिए और इस प्रकार से इसको बांध दिया जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई किसान मान लो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी खाद डाल रहा है, पानी लगा रहा है, स्प्रे कर रहा है, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं? इसके अंदर कोई भी मारी सोच कुछ भी हो, स्प्रे कर रहा है या कोई सीलर चला रहा है, पानी लगा रहा है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। बस इतना होना चाहिए भी है, अगर हमने 1 से 2 इंच ऊपर लगा दिया तो नीचे पानी के अंदर नहीं आना चाहिए और इसके अंदर मिट्टी के अंदर नहीं दबना चाहिए। मिट्टी यदि इसको टच करती है तो ये काम नहीं करता है? मिट्टी के अंदर ये, इसके अंदर क्या है, पोर होते हैं जो हमने देखा, एक तरफ एल्यूमिनियम की तार है, दूसरी तरफ फेरोमोन लगाया हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि दवाई को रिलीज करते हैं। जब ये मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो सुराख बंद हो जाएंगे, तो सुराख बंद हो जाएंगे। और इतनी जो नई टेक्नोलॉजी आप लेकर के आए हो, यहाँ पर कितने एरिया में डेमो लगा हुआ है? ये सर यहाँ पे 62 एकड़ का डेमो लगा हुआ है रिसपाल जी के यहाँ। 100 बीघों के आसपास लगा? 100 बीघों के आसपास। 100 बीघों से कम कंपनी लगाती नहीं है क्या? 100 बीघों से अंदर सर ये अब तक जो मतलब रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, जो हम लेके चल रहे हैं साथ में, 100 बीघे के अंदर इसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है अपने को। 100 बीघे के अंदर 5.5 मीटर की दूरी के अंदर लगाए, सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है बिश्नोई जी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताए, ये टेक्नोलॉजी है अपने भारत सरकार की है या कोई विदेश की तकनीक है? ये टेक्नोलॉजी सर जापान से तैयार होके आ रही है अपने यहाँ, जो है जापान से आ रही है, ये जापान के अंदर तैयार की जाती है, जापान के अंदर पूरा इसका मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग सब कुछ वहीं से होके यहाँ पे आ रहा है। तो और कोई एरिया में बताएं भी, इसको किसान ने डेमो के अलावा भी यूज किया है क्या कहीं, या अभी इस पर रिसर्च चल रहा है? अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, अभी हमने ये 100 बीघा का प्लॉट लगाया और यहाँ से आप 6 से 7 किलोमीटर चलोगे तो हमने 41 बीघा का भी प्लॉट लगाया और कंपनी इस बार 20 बीघा के और 10 बीघा के प्लॉट लगा के रिसर्च कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में कितनी जगह आपका कंपनी का ये प्लॉट लगा हुआ है? ये सर 3 जगह प्लॉट लग चुका है और 1 जगह और लगाने की। कौन कौन सी जगह आप थोड़ा सा बता दें? एक सर 4 KSP के अंदर है, 1 3 KSP के अंदर है, 1 आप जाओगे शेरगढ़ जो अपना है 16 MD में इधर लगा हुआ है। तो थोड़ा सा तकनीक के बारे में बताएं, बाहर बॉर्डर में आप किस तरीके से लगाते हो और जो अंदर का है उस वहां पर किस तरीके से, बॉर्डर में दूरी क्या रखते हो? ये सर सबसे पहले जब हम इसको लगाना शुरू करते हैं तब हम बॉर्डर से शुरू करते हैं, जो हमारे खेत की बॉर्डर है उसके साथ साथ जो चारों तरफ है उसके अंदर 1-1 मीटर पे लगाया जाता है। अगर आप देखोगे ये यहाँ लगा हुआ है और उसके बाद 1 मीटर पे फिर यहाँ आएगा वापिस, 1 मीटर पर वापिस, 1 मीटर पर वापिस आएगा, उसके बाद हम चारों तरफ जो बाउंड्री है वो कवर करेंगे 1-1 मीटर के ऊपर, चारों जो खेत के चारों तरफ बाउंड्री है वहां पर दूरी 1-1 मीटर, 1-1 मीटर। पर दूसरी रो जब लाते हो तो लाइन से लाइन की दूरी क्या रहती है? जब हम दूसरी रो लेके आएंगे तब हम यहाँ से 5.5 मीटर का, 5.5 मीटर पर आपकी दूसरी रो, चारों तरफ से 5.5, 5.5। हाँ जी, 5.5 मीटर से हमने यहाँ पे गए आगे और उधर से 5.5 मीटर पे हम आगे वाला जो भी अपनी रो आ रही है उस रो के साथ चलेंगे अपने, जो 5.5 मीटर तो इधर से रखना है और 5.5 मीटर ही उधर से, हाँ बॉर्डर से जो दूरी है 5.5 रहेगी 1 मीटर के बाद में, 1 मीटर के बाद में तो अंदर की फिर 5.5, 5.5 पर रहेगी सभी रो। अब हमने ये 5.5 मीटर पे पहला लगा दिया, उधर से 5.5 मीटर है, इधर 5.5 मीटर। अब हम यहाँ से चलेंगे ना तो आगे जो आप देखोगे 5.5 मीटर पे फिर एक तार आएगी, आपकी लाइन से लाइन की दूरी है वो 5.5 और फिर प्लांट जो आपने लगाई है पीपी नोट उसकी दूरी भी 5.5 मीटर रहेगी, दूरी भी 5.5 मीटर रहेगी। तो थोड़ा सा तकनीक के बारे में ये बताएं भी, किसान भाई इसको अपनाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है इसका? सर लगभग आप मान के चलो भी 2800 रुपए बीघा, ये 100 बीघे का 2,80,000 रुपए का है और 2800 रुपए बीघा इसका खर्चा है। तो इसमें मान लो कोई किसान भाई लगाता है तो कंपनी की तरफ से क्या इसमें इंश्योरेंस है, क्या गारंटी रहेगी भी निश्चित रूप से सुंडी नहीं आएगी? गारंटी मान लो कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए या कोई और हो जाए, या सुंडी के सिर्फ बारे में क्लेम रहेगा? ये सर सिर्फ सुंडी के ऊपर कंट्रोल करती है, उसका प्रबंधन करती है,
भाई अगर हम 100 बीघा केंद्र लगाने जा रहे हैं तो ये नहीं है अभी इसके अंदर सुंडी नहीं है, कोई एक आध आ सकती है। हम जिस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं कोई एक आध कोई अपने मामूली दिखाई दे सकता है, लेकिन इतना नहीं है अभी आपके यहाँ कोई मेजर अटैक आ जाएगा। और जब 90 दिन ये पूरे कर जाएगी उसके बाद भी ये नहीं है, एकदम से पॉपुलेशन बिल्ड नहीं हो पाता है, पॉपुलेशन बिल्ड नहीं हो पाता एक साथ में, जो कि हम पहले से दो से तीन जनरेशन कंट्रोल कर लेंगे उसके बाद पॉपुलेशन बिल्ड नहीं होगा इसका। किसान भाई है जो इसकी तुलना में यदि कई किसान कहते हैं सुंडी आ गई तो हम 2 या 3 स्प्रे कर लेंगे, क्योंकि इसका खर्चा आप 2500 रुपए बीघे का बता रहे हो, तो यदि स्प्रे करता है तो वो कह रहा 2000 में हो जाएगा, तो उसकी तुलना स्प्रे में और पीबी नोट की तुलना में कैसा रहेगा? जैसे सर अपने जैसे स्प्रे करने जा रहे हैं, जब भी फार्मर स्प्रे करने जाएगा तो वो पहले अटैक देखेगा, उसके पास अटैक आ गया तो आप मान के चलो भी उसने अगर एक प्लांट पे 3 से 4 बोल्स को भी इफेक्ट कर दिया सुंडी ने, तो अगर फार्मर कैलकुलेट करने जाएगा बीघे का 10 से 15 किलो नरमा उसका खराब हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपके वो बोल्स बच जाएंगे और साथ में जो आपने स्प्रे का खर्चा लगाया है अगर आप वो कैलकुलेट करोगे उस मामले के अंदर आपको हमेशा ये फायदेमंद मिलेगा। तो एक नई तकनीक है, किसान है वो नई तकनीक अडॉप्ट करने में थोड़ा सा देरी करता है, क्योंकि जैसे बीटी कॉटन आया था तो बहुत सारे किसानों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया था, ये जमीन में जहर छोड़ता है ऐसा होता है। तो किसान भाइयों कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए उसको हमें एक बार प्रयोग करके जरूर देखना चाहिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या आ रही है और उसके फायदे हमारी फसल में क्या क्या हो रही है, इनके बारे में भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो अभी नई टेक्नोलॉजी है, रिसर्च इस पर चल रहा है, जापान देश की टेक्नोलॉजी है और PI कंपनी है, इसको फील्ड में कई जगह लगा रही है। तो जैसे आप कह रहे हो भाई 100 बीघों में लगाते हैं, तो बीच में कोई किसान ये कहते भी मैं तो इसको नहीं लगाना चाहिए, सभी का एग्रीमेंट होना जरूरी है, ये सबका एक साथ में होना जरूरी है। अगर हम 100 बीघा केंद्र लगा रहे हैं कोई और फसल आ रही हो 5-10% तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉटन नहीं होना चाहिए वो, कॉटन अगर कोई फार्मर बीच में छोड़ रहा है वो नहीं छोड़ सकता। तो थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंट में जैसे आपने ये तकनीक लगाई है तो क्या ये हमारे मित्र कीटों के लिए घातक होगी या कोई इसमें सेफनर मिला हुआ है या सिर्फ ये पिंक बॉलवर्म पर ही काम करती ये है? सर सिर्फ पिंक बॉलवर्म पे काम करती है, या अभी रिसर्च ही चल रही है इस नहीं, पर? ये सिर्फ पिंक बॉलवर्म इसका ल्यूर सिर्फ उसी कीट का ही है, उसी का फेरोमोन लगा हुआ है, फेरोमोन लगा हुआ है, ये ना कोई मित्र कीटों को नुकसान, मित्र कीटों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, ये किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, ना ये आपकी कोई फसल को या किसी इंसान को इसमें कोई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये सिर्फ पिंक बॉलवर्म के लिए बना हुआ है। पिछले टाइम में बताएं आप, पिछला जो कॉटन सीजन था उसमें कहीं लगी हुई है, बता रहे हैं मुंडा में कहीं लगी थी? सर ये मुंडा के अंदर लगाया गया था हमारे यहाँ मानगढ़ में, पिछली बार मानगढ़ जिले के अंदर 14 प्लॉट लगे हुए थे, 14 प्लॉट पिछली बार, तो सुंडी का इतना ज्यादा अटैक नहीं था, और जो फील्ड लगे हुए थे उनमें आपने मॉनिटरिंग की होगी, वहाँ सुंडी कम थी क्या या थी नहीं बिल्कुल ही? वहां पर सर बिल्कुल कम, जो अटैक आया है वो लास्ट के अंदर कुछ मामूली सा अटैक माना गया, जो आसपास के एरिया के अंदर आप कंपेरिजन करके चलो वहां पे जो हमने रिजल्ट निकाला प्रति एकड़ के हिसाब से 2.25 क्विंटल का कॉटन का फर्क आया। अपने तकनीक के बारे में बताएं किसान भाइयों को भी, ये जो आपने ल्यूर या जो आपने पीबी नोट लगाई है ये काम कैसे करता है? गुलाबी सुंडी के अडल्ट है या सिर्फ अडल्ट पर ही करता है, अंडों पर करता है, लार्वा पर करता है या प्यूपा पर करता है, पूरा सिस्टम हमें समझाएं। ये सर मेटिंग डिस्टरबेंस टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्या है एक फेरोमोन लगाया गया, फेरोमोन है इसके अंदर जो भी एक फ्रेगनेस छोड़ता है, जो मादा छोड़ती है पिंक वॉलवर्म की, जो मादा है मोत है वो छोड़ता है, वो ही स्मेल यही छोड़ रहा है। ये क्या है जो अपने मादा जो है स्मेल छोड़ती है नर को अट्रैक्ट करने के लिए, उससे 300 गुना ज़्यादा ये छोड़ रहा है, तो ये क्या नर जो है वो मादा को ढूंढ नहीं पाता, उसके पास नहीं जा पाता है और उनकी मेटिंग नहीं हो पाती, जिससे आगे की जनरेशन है जो चल नहीं पाती है, नहीं चल पाती है, मेटिंग नहीं होंगे तो आगे अंडे भी नहीं आएंगे, लार्वा भी नहीं बनेंगे, तो इस तरीके से यह सुंडी है जो नियंत्रित रहती है। और इसी कारण ये हम जब आप देखोगे साइडों में हमने 1-1 मीटर पे लगा रखा है, ये इसीलिए बाहर से अगर कोई मौत आ रहा है कोई आ रहा है तो वो उसके आस पास होके रुक जाए, वहां से आगे मत ना जाए। नहीं, जितना एरिया में आपने कवर कर रखा है 100 बीघों के आसपास, क्या नजदीक में कई मीटर तक या कई कुछ दूरी तक दूसरे किसानों को भी तकनीक का फायदा होगा? ये सर इसका जो है आप 5.5 से 6 मीटर तक ये काम करता है, अगर आप आगे जाओगे तो 20 से 25 फीट तक ये जो है प्रोटेक्शन देता है दूसरी क्रॉप को भी, इसे दूसरे किसानों को आसपास जो लगा रखे उनको भी थोड़ी थोड़ी दूरी तक, थोड़ी थोड़ी दूर तक आप मान के चलो अभी 20 से 25% तक अगर इनको 100% हो रहा है तो 20-25% उनको भी फायदा मिल रहा है। नई टेक्नोलॉजी है, इसमें यदि फायदा मिलता तो मैं कॉटन क्रॉप यदि अच्छी होती। बिनोड तकनीक के बारे में किसान भाइयों जानकारी दे रहे थे, तो थोड़ा सा किसान ज्यादा जो स्प्रे करते हैं सुंडी के लिए तेज स्प्रे,
उससे प्लांट स्ट्रेस में भी आ जाता है और स्ट्रेस होने के बाद में उसमें सिम्पोडिया कम निकलती है, झाड़ भी हमारा कम आता है, तो इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, पौधे भी सुरक्षित रहते हैं। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित है, पौधे भी सुरक्षित है। अब क्या है, आप जाओगे देखोगे ना, सिंथेटिक दवाइयां कर रहा है फार्मर पिंक वॉलवर्म के लिए, उससे मित्र कीटों को भी नुकसान है, पौधा भी है उसको भी नुकसान हो रहा है। तो ये उस चीज से भी बचाव कर रही है पौधे का, मित्र कीटों के लिए फायदेमंद है। इसके लिए क्या है, फार्मरों को 100 बीघा के लिए इकट्ठा होना होगा इसको यूज करने के लिए, एक साथ आके और 100 बीघा के अंदर ये बढ़िया से एनवायरनमेंट बना के अपने को बहुत अच्छा काम कर रहा है पिंक वॉलवर्म के ऊपर। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में किसान थोड़ा सा एक बार नई टेक्नोलॉजी में दिक्कत आती है, बीटी में भी थोड़ी दिक्कत आई। हरी सुंडी की बात करें थोड़ा सा 20 साल पीछे चले जाएं तो 3000 रुपए लीटर की दवाई आई तो किसानों को ऐसे लगा बहुत महंगी है, फिर 10000 रुपए लीटर की भी दवाई आई, फिर उस तकनीक के अंदर कंपनी ने डेमो लगाए और धीरे धीरे किसानों को ऐसे लगा भी इसमें फायदा हो रहा है तो तकनीक को उसको अपनाया। तो महंगी हो रही है लेकिन रिजल्ट यदि अच्छे मिलेंगे तो तकनीक को जरूर किसान अपनाएंगे। किसानों को ये देखना होगा भी जो ये दवाई जितने की आ रही है अपने को फायदा कितने का दे रही है, ये यील्ड के अंदर कितनी बढ़ोतरी कर रही है, कितने नुकसान से बचा रही है। अगर फार्मर को अपने यील्ड में फायदा मिल रहा है और उनको क्वालिटी में अच्छा मिल रहा है, क्यों आप देखोगे पिंक वॉलवर्म से जो नुकसान हो रहा है पौधे को उसकी क्वालिटी के अंदर फर्क आ रहा है, उसको रेट के अंदर भी फर्क आ रहा है, उस हिसाब से ये उनको सस्ता पड़ेगा इसे अगर इस चीज को वे साथ में लेके चलेंगे। तो बिश्नोई जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों कृषि स्नातक है बिश्नोई जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पीबी नोट पर है। कितने समय से काम कर रहे हैं आप? मेरे को सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, कंपनी ने ट्रेनिंग वगैरह अच्छी दे रखी है, तो इसको समय समय पर आप तकनीक को देखते भी रहते हो, संभालते भी हो क्या? हाँ जी सर, ये हम कितने दिनों बाद मॉनिटरिंग करते हो तकनीक को? ये सर इसके अंदर क्या, अब इस ये हमने प्लॉट लगाया 3 तारीख को, अब हम इस प्लॉट के अंदर ट्रैप्स लगेंगे, ठीक है, अंदर भी ट्रैप्स लगेंगे और बाहर भी ट्रैप्स लगेंगे। उसके अंदर 15 दिन के बाद उनकी हर बार मॉनिटरिंग होगी, कितने मौत आ रहे हैं, अंदर कितने आ रहे हैं, बाहर कितने आ रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर रेंडमली प्लांट को सिलेक्ट करके उसके अंदर बोल लेंगे, सबसे पहले फ्लावर चेक करेंगे, रोजेट फ्लावर कितने बन रहे हैं, बाहर के खेत में कितने बन रहे हैं, और उसके बाद बोल्स को इकट्ठा करके और उनके अंदर चेक करेंगे भाई कितनी सुंडी कहाँ पे अपने को पिंक वॉलवर्म मिल रहा है। थोड़ा सा अपना मोबाइल नंबर बता दें, मोबाइल नंबर ये मेरा सर मोबाइल नंबर है 7300305859, हिंदी में बताइए 7300305859। तो किसान भाइयों बहुत नई तकनीक है, अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं, तो नई नई तकनीक इस तरीके से आपको जानकारी देते रहेंगे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद किसान भाइयों, जानकारी अच्छी आपको मिल रही है, इसे लाइक करें शेयर करें, जिससे हमारा किसान है उसकी उपज अच्छी हो, किसान की उपज अच्छी होगी तो हमारा देश खुशहाल होगा। जय हिंद जय भारत।